हेलो बच्चों, दिस इज़ अ स्मॉल बैच लॉन्चिंग वीडियो बाय टीम कंपटीशन फॉर जेई 2024 एस्पिरेंट्स जो भी 11th से 12th में जाएंगे। और ये ऑफलाइन बैच होगा टीम कंपटीशन का जो जयपुर में अवेलेबल है। तो आइए इस बैच के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बैच का नाम है वो है प्रखर स्टार एंड इट इज़ एन ऑफलाइन बैच विच इज़ अवेलेबल ओनली एट जयपुर। जो किन बच्चों के लिए है, जो भी बच्चे 11th से 12th में मूव कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। स्टार्टिंग डेट क्या है, 3rd अप्रैल 2023 से वी विल स्टार्ट दिस बैच। एंड एंड डेट क्या है, अब एंड डेट का मतलब यह है कि ऑफ कोर्स जब तक एडवांस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक टेस्ट वगैरह तो रेगुलरली चलते ही रहेंगे, बट जो थ्योरी लेक्चर्स हैं वो नवंबर के लास्ट तक वी विल फिनिश। उसके बाद जो भी रिवीजन है DPBs के थ्रू जो रिवीजन कराया जाता है वो सब चलेगा। कोर्स की फीस अगर वन टाइम आप एक साथ पेमेंट करते हैं तो 99,000 है और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। उसको अवेल करने के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो ऑन डिमांड अवेलेबल है जयपुर में। आप सपोर्ट टीम से बात करके कोई भी एक टाइम एंड डे फिक्स कर सकते हैं, वह उस टाइम एंड डेट पर आके आप अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर यू कैन ऑल्सो अवेल सम डिस्काउंट। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक दिन में ऑन एंड एवरेज, मतलब ऑन एंड एवरेज क्या, एक दिन में तीन क्लासेस होंगी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। एक क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे 20 मिनट के आसपास रहेगा प्लस 10 मिनट्स का ब्रेक, तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास आप मान सकते हैं। शाम को 4 बजे से यूजली क्लासेस स्टार्ट होता है तो 4 से 8:15 तक लगभग क्लासेस चलेगा। ये तो एक दिन की बात होगी और 4 to 5 days पर वीक क्लास फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब एक वीक में 4 से 5 दिन क्लास फ्रीक्वेंसी रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी इस बैच से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच को आप ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इनटू दिस बैच, तो हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है एडू कॉम्पिटिशन वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं या फिर वेब के थ्रू भी आप इनरोल कर सकते हैं online.competition.com पे। आप इन पर्सन सेंटर पे विजिट करके भी इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जो हमारा सेंटर है जयपुर के अंदर वो दुर्गापुरा बस स्टैंड के पास है, दैट इज़ कॉम्पिटिशन टावर के नाम से गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और जो दूसरा हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो गोपालपुरा बाईपास पे है कॉम्पिटिशन टावर 2 के नाम से। जो भी ये एड्रेसेस हैं इनमें से किसी भी सेंटर पे आप विजिट कर सकते हो और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको फॉलो करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रखर स्टार बैच के फीचर्स क्या है। तो ऑफ कोर्स ये जो बैच है इसमें हम 12th जेई का जो पूरा सिलेबस है उसको हम 11th और 12th अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो इस बैच के अंदर जो 12th वाला सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा, वो कंप्लीट कराया जाएगा। ऑफ कोर्स जो बच्चा 11th से 12th में मूव कर रहा है उसने 11th में कहीं तो पढ़ा होगा तो 11th का कोर्स उसका वैसे ही पोर्शन होगा, 12th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो टीचिंग होगा वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा एंड ऑफ कोर्स ये जो बैच है वो मेंस एंड एडवांस दोनों की ही आवश्यकता को पूर्ण करता है, मतलब आपको मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल बेसिक से उठा के एडवांस के लेवल तक। उसके बाद अगर आप इस बैच में एडमिशन लें तो आपको किसी भी तरह की कोई भी मटेरियल या बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। ये जो मटेरियल होगा ये ऑफ कोर्स क्लास में डिस्कशन भी होगा, उसके बाद भी इस मटेरियल का वीडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशन इज आल्सो अवेलेबल, क्योंकि जो भी बच्चा हमारे यहाँ ऑफलाइन में एडमिशन लेगा उसको हम ऑनलाइन का जो बैच है वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये ठीक है, मतलब ऑफलाइन में तो पढ़ ही रहा है, ऑनलाइन का फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे के 11th में 2 पर्टिकुलर चैप्टर वीक रह गए, अब वो पढ़ना चाहे तो वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ सकता है क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट 11th और 12th के दोनों के वो कर सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है किसी बच्चे का एक लेक्चर छूट गया या 2 लेक्चर छूट गए तो उनको किसी भी रीज़न से हो सकता है वो बाहर चला गया, कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा या फिर बीमार हो गए, तो फिर वो लेक्चर वो ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकता है, डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ के भी कर सकता है, घर से भी कर सकता है। तो इसलिए जो भी हम मटेरियल दे रहे हैं उसकी एक सॉल्यूशन कॉपी उसके पास डिजिटली अवेलेबल रहेगा। ऑफ कोर्स वैसे जो भी मटेरियल दिया जा रहा है वो क्लास के अंदर तो प्रॉपरली डिस्कशन होगा ही उसका। उसके बाद
डाउन क्लासेस डेली लगेगा, मतलब जब भी वो बच्चा क्लास के लिए आएगा ऑफलाइन पे, तो जैसे 4 o'clock से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 3 to 4 विल बी द डाउट सेशन, जिसमें वो आके अपना डाउट्स भी पूछ सकता है। और जैसे उसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन बैच की फैसिलिटी है, तो वो ऑनलाइन डाउट भी पूछ सकता है। मतलब उसे अगर वो नहीं आना चाहे, घर से ही पूछना चाहे, तो वहाँ से भी पूछ सकता है। वो जूम क्लास, लाइव डाउट क्लास भी होती है, प्लस टेलीग्राम पे भी वो पूछ सकता है डाउट। मतलब डाउट इज़ टोटली सॉल्व बाय टीम कॉम्पिटिशन, आपको किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए होगी। ऑफकोर्स जो मटेरियल आपको दिया जाएगा वो अपने आप में सफिशियंट है, उसके अलावा आपको किसी बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस मटेरियल इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, रैंक 1 से लेकर रैंक 10,000 सबकी जो ज़रूरतें हैं उसको, उसके हिसाब से मटेरियल बनाया गया है। ग्रेडेड मटेरियल है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने सारे क्वेश्चन उठा के एक साथ डंप कर दिए। बुक्स में यूजली यही प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, तो बच्चे ने जो चैप्टर आगे पढ़ा ही नहीं है उसका क्वेश्चन जब उसको मिलता है तो उसे समझ में नहीं आता कि उससे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो मटेरियल को प्रॉपर रिसर्च करके, सालों की मेहनत के बाद ग्रेड करके बनाया गया कि बच्चे को स्मूथली धीरे धीरे ऊपर उठाया जा सके, ताकि उसका मनोबल ना टूटे और उसका परफॉर्मेंस बेटर होता चला जाए। फिर इसके अलावा जो रेगुलर टेस्ट है, मतलब जो भी हमें प्रिपरेशन के लिए जिस तरह की भी फैसिलिटी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग टीम कॉम्पिटिशन द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी और ऑप्टिमम वे में प्रोवाइड की जाएगी। मतलब जो भी परफॉर्मेंस आपकी है वो चेक करने के लिए एवरी 21 डेज पे वी विल बी टेकिंग ए टेस्ट। अच्छा, IIT JEE आजकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये टेस्ट जो है वो ऐसे ही OMR शीट पे बैठा के ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है, अपना टेस्ट सेंटर है जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिले। कि पेपर में लिखने में अलग चीज़ होती है, वहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स फिक्स्ड मिलता है, कंप्यूटर पे जो इनपुट करना पड़ता है आंसर, उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंस होता है। तो जो एक्चुअल पेपर है उसी को मॉक करते हुए आपके यहाँ पे सारे टेस्ट लिए जाएंगे। और जैसा एक्चुअल पेपर आता है, कभी टफ, कभी ईजी, कभी मिक्स्ड, हर तरह के टेस्ट यहाँ पे लिया जाएंगे, ताकि आप हर सिचुएशन को फेस कर सके, चाहे पेपर कैसा भी हो। और वो हमारी अपनी डिजिटल कंप्यूटर लाइब्रेरी में टेस्ट वो होगा, तो जो आपको रियल फील देगा पेपर का। ये जो टेस्ट पेपर दिया जाएगा, ये ऑफकोर्स क्लास में डिस्कशन होगा इसका, और फिर भी उसका कंप्लीट एनालिसिस एंड वीडियो सॉल्यूशन विल आल्सो बी अवेलेबल। उसके बाद अगर जैसे प्रिपरेशन बच्चा कर रहा है, तो ऑफकोर्स इट वोंट बी वेरी स्मूथ बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी स्ट्रांग, तो फिर बच्चे के अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। तो उस टाइम पे एक एक्सपर्ट गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अगर आपने एक बार एडमिशन लिया तो आपको ऐसा कुछ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, आपको एकेडमिक नॉन एकेडमिक कुछ आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन टॉक टू आर फैकल्टी विच आर फ्रीली अवेलेबल एट सेंटर। आप वहाँ आराम से बात करके अपनी प्रिपरेशन को वापस ट्रैक में ला सकते हैं, उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। बिल्कुल लास्ट तक, जब तक एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक यू कैन इंटरेक्ट विद आर फैकल्टी फ्रीली एनी टाइम, ताकि आपकी प्रिपरेशन हमेशा ट्रैक पर रहे और आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। और जैसा मैंने बोला कि डिजिटल लाइब्रेरी इज ऑल्सो अवेलेबल, डिजिटल लाइब्रेरी का कई तरीके से बच्चा यूज़ कर सकता है। कुछ बच्चे हो सकता है उनके घर पे ऐसा पढ़ने का माहौल ना हो और वो चाहे कि हम यहीं पे आके पढ़ना चाहें, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या फिर जैसे मैंने बोला कि किसी बच्चे को किसी 11th का कोई चैप्टर वीक है, उसका वो लेक्चर देखना चाहे, तो दैट ऑल्सो कैन बी डन एट डिजिटल लाइब्रेरी। मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो तो 12th का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, ओवर एंड अबव दैट आई एम टॉकिंग। कि अगर किसी बच्चे का मान लिया 11th के, हो सकता है ये 3 चैप्टर पढ़ तो रखे हैं बट प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो उसका अगर वो कंप्यूटर पे बैठ के चैप्टर टेस्ट देना चाहे, तो वहाँ सब दिया जा सकता है। मतलब इस तरह का कस्टमाइजेशन कर रखा है हमने ऑनलाइन एंड फैसिलिटी के साथ। मतलब ऑफलाइन तो जो भी ऑफलाइन सेंटर पे किसी भी कोचिंग में, रेनाउंड कोचिंग में जो फैसिलिटी मिलेगी वो सारी अवेलेबल है, ऑन द टॉप ऑफ इट एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि बच्चा अपने हिसाब से प्रिपरेशन को कस्टमाइज कर ले और जो जो उसकी नीड है वहीं वो एफर्ट लगाए। ऐसा नहीं कि वो काफ़ी उन जगह पे एफर्ट लगाए जहाँ पे उसकी नीड ही नहीं है, उसका टाइम वेस्ट हो, बिकॉज टाइम इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो दिस डिजिटल लाइब्रेरी इज गोइंग टू बी बून फॉर द स्टूडेंट इन दैट रिगार्ड। कॉम्पिटिशन हैज़ इट्स ओन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे बच्चा उसका फ़ायदा उठा सकता है, आइए इसी को आराम से देखते हैं। तो हम हैं कॉम्पिटिशन की स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी में,
कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन, और हम बच्चे की हर प्रॉब्लम का या फिर हर जरूरत का ख्याल रखते हुए डिफरेंट टाइप की इनोवेशन लगातार लाते रहते हैं। ये हमारे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड रहा है। तो उसी के तहत जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए एक, जैसे बोलते हैं, वरदान साबित होने वाला है ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। और इस डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चा अपनी प्रिपरेशन को पर्सनलाइज कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जो भी बच्चों के साथ यूजली प्रॉब्लम आती है पूरे साल में। तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनके लिए कोई कस्टमाइज्ड या कस्टम मेड सोल्यूशन नहीं होता, या फिर इस तरह के सोल्यूशन होते हैं जिससे बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, चाहे वो रिविज़न हो या और प्रैक्टिस वाली चीज़ें होगी। इसी चीज़ को सॉल्व किया गया है कॉम्पिटिशन के द्वारा। तो जो भी यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चा आएगा उसके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स प्रिपरेशन, जो उसको डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज देगा बाकी बच्चों के ऊपर। तो एन एस सर हैं, उनसे हम पूछते हैं, सर इस लाइब्रेरी का यूज़ बच्चा कैसे कैसे कर सकता है? सर हमने तो ऐसे यही सोच के बनाया बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, जैसे टेस्ट पेपर्स में हम लोग बात करें, क्योंकि अब इंजीनियरिंग के सारे पेपर जो टेस्ट पेपर होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। बिल्कुल। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि हम लोग सारे टेस्ट बच्चों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएं, जिससे बच्चों को जे के एग्ज़ाम में मतलब ऐसा ना हो कि केवल पेपर में देखे से वो पहचान ही नहीं पाए कि यार कंप्यूटर में टेस्ट होते कैसे हैं। तो बच्चों का फीलिंग आ जाए और एक्सपीरियंस हो जाए कि फाइनल टेस्ट में पहुँचने से पहले हम लोग अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाए और जे के एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत बड़े कोचिंग को मैंने देखा है जो पूरे साल तक ना पेपर बेस्ड टेस्ट कराते रहते हैं, लास्ट में एक दो टेस्ट दे देते हैं, तो उससे बच्चों को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता जो पूरे सालों से लगातार चाहिए होता है। क्योंकि जिस चीज़ का आप अभ्यास कर रहे हो कंप्यूटर पे, वहाँ जो गलती कर रहे हो वो तो जब ही सीखेंगे ना जब उसी चीज़ पे कर रहे हो। एक तो ये हो गया, और बताइए और इसके अलावा एक और पॉइंट हमने सोचा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी के लिए भी बच्चों का जो है इसमें ये लैब का एज ए लाइब्रेरी यूज़ किया जा सकता है। जैसे बच्चा क्लास के अलावा उसे क्वेश्चंस भी करने होते हैं, क्या क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, आसपास में हॉस्टल में बच्चा जाएगा कुछ बहुत सारे बच्चे कई बार क्या होता है एक ही क्लासरूम में एक ही रूम में आके बैठ जाते हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, तो यहाँ आके पढ़े, यहाँ हम लोगों की टीम होगी, बच्चों को किसी भी तरह का ऐसे माहौल ऐसा होगा पढ़ने वाला, और सेल्फ स्टडी करे। सारे लेक्चर्स अगर मान लीजिए किसी बच्चे का छूटा हुआ है, कोई लेक्चर छूट गया है, छुट्टी गया होगा किसी भी कारण से, तो यहाँ आके हम लोगों के जो क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो पढ़ के उनसे नोट्स बना सकता है। इसके अलावा जो यहाँ क्लासरूम पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उनमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस नहीं, जैसे ऐसे मोबाइल पे भी बैठ के अगर अगर यूट्यूब से देखा तो बच्चे कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। बिल्कुल। उसमें एड्स वगैरह आ जाते हैं नीचे में, या फिर किसी जब तक अगर डिटर्मिनेशन नहीं होगा ना तब तक स्टडी सही ढंग से नहीं हो सकती। तो एक पॉइंट तो ये है कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक जगह बैठ कर अपने जैसे और स्टूडेंट्स के साथ में सेल्फ स्टडी करने के लिए भी एक माहौल यहाँ प्रोवाइड किया है। जैसे ऑफलाइन में क्लासेस तो हमारी सारी होंगी, ए टू जेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वही सारा डिस्कशन होगा पूरे शीट का, बट वंस इन ए ब्लू मून ऐसा हो सकता है कि बच्चा बीमार पड़ गया, एक क्लास उसका मिस हो गया, तो अब वो उसको कैसे करे? तो एक तरीका तो ये, वो यहाँ पे आके हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। ऑनलाइन का भी जैसे हमने बोला था कि ऑनलाइन का जो कोर्स है उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस यहाँ पे रहेगा। तो कोई बच्चा मान लिया उसे 4 ही डाउट है, अलग अलग चैप्टर में डाउट है, और वो वहाँ पे डाउट सेशन में नहीं जाना चाहता है, तो वो यहाँ पे आके अपने वो एक दो डाउट भी देख सकता है, क्योंकि उनके वीडियो सोल्यूशन है, टेक्स्ट सोल्यूशन इज अवेलेबल। अब ऐसे भी क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स स्मार्टफोन नहीं देते बच्चे को ताकि वो इधर उधर की चीज़ें ना देखें, तो यहाँ पे उसको नेट नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात होगी और कुछ नहीं होगा। और जैसे सर ने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रूम पे जाके सोते रहते, कोई देखने वाला नहीं होता, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता, या फिर 4 बच्चे बैठ के गप पर लगा रहे होते हैं, तो उसको भी जिसका होता है न्यूट्रलाइज किया जाता है यहाँ पे आके। वो देखेंगे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने अंदर से एक खुद ही इच्छा जागृत होती है कि जब ये पढ़ सकता है लगातार 6 घंटे बैठ के तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, और ऐसे करोगे तो डेफिनेटली फायदा ही होगा, आपकी रैंक जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आएगा। तो इसी के बारे में और चर्चा करने के लिए एवीजे सर हैं, सबके प्यारे। तो सर और कोई खूबी बताइए जिससे बच्चा इसको यूज कर सकता है? जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ना टीचर तो ऑब्वियस बात है कि सबके सब बराबर पढ़ाते हैं एंड हर बच्चे का पेस डिफरेंट है। बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी स्पीड बहुत फास्ट और उसे ऐसा लगता हो कि यार सर तो है ना बाकी बच्चों की स्पीड से पढ़ा रही कि वो तो बस किसी तरीके से दिसंबर के आसपास या नवंबर के आसपास सिलेबस कंप्लीट करेंगे,
क्या मैं आगे वाले चैप्टर पहले से पढ़ लूं, जिनको पढ़कर मैं थोड़ा सा ऑन रोर वेल प्रिपेयर्ड हो सकूं। तो ऑफकोर्स वो बच्चा ऐसा कर सकता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आखिर के टाइम पर आकर थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि आखिर मैं रिविजन कैसे करूं। तो बच्चा क्या करेगा कि इस कंप्यूटर लैब में आएगा और इस कंप्यूटर लैब में आके सिर्फ और सिर्फ जो सी क्यूब के जो लेक्चर्स हैं वो देखना स्टार्ट कर लेगा। अब वही सी क्यूब के लेक्चर्स अगर मोबाइल पर देखेगा तो ऑफकोर्स आईज पर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। बिल्कुल मोबाइल पर जाएगा सी क्यूब पढ़ने के लिए, फिर यूट्यूब चला के बैठ जाएगा, इंस्टाग्राम चला के बैठ जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें से कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो लगेगा कि इन पांच चैप्टर की मैंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, काश मुझे कोई बढ़िया से प्रैक्टिस करा दे। तो ऑफकोर्स वैसे तो हम इस तरह के सारे ऑफलाइन में भी सोल्यूशन लेके आएंगे, बट हो सकता है किसी बच्चे को ज्यादा एफिशिएंट ये लगे कि वो इस लैब में आकर सिर्फ और सिर्फ चैम के जो लेक्चर्स हैं वही कर ले, और उसको घर पे ही ऑब्वियस बात है कि उसका जो जहाँ फंस रहा था ना यार रिवीजन कैसे होगा रिवीजन कैसे होगा और ये जो तीन चार चैप्टर इनमें निपट नहीं रहा मामला अच्छा नहीं रहा, तो उनको भी बहुत और बेटर तरीके से वो कर लेंगे। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के जो मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो लैब है ये अपने आप में एक वरदान है। हर बच्चे की तैयारी का जो कस्टमाइजेशन है उसके अंदर एक तरीके से ये जो लैब है ये उसमें बहुत बड़ा टूल है। इतने बड़े रीजन के अंदर जो लैब बनाई गई है इस क्षेत्र के अंदर, मेरे ख्याल से इस इलाके के अंदर जब मैं लोग बाग इतने क्षेत्र में 400 बच्चे पढ़ाते हैं और सोच रहे हैं उससे इतने पैसे निकालेंगे, हमने उल्टा किया कि बच्चे के एडमिशन भले ही कम लेंगे लेकिन एक पूरा पूरा फ्लोर ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर पाए, उनकी रैंक इंप्रूव हो सके, उनका कॉलेज इंप्रूव हो सके, ब्रांच इंप्रूव हो सके। दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट अवर टीम कॉम्पिटिशन। तो जैसे कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में, बैंगलोर में जो भी ऑफलाइन कोचिंग चलती है प्लस ऑनलाइन चलती है वो तो पूरा सबसेट हो गया, मतलब सारी उनके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो निकाल के हमने यहाँ पे रख दिए हैं, प्लस नेगेटिव जो जो हो सकते हैं, जो जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं वो सारे हमने हटा दिए। तो यू आर गोइंग टू सी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस में कितना अमेजिंग डिफरेंस आने वाला है अगर आप कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर लो। कि किसी बच्चे को हो सकता है कि उसे लगे पीएनसी में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है और उसे समझ में आता ही नहीं है, तो एक बार मैं जब ऑफलाइन क्लास में चालू होगा उससे पहले एक बार मैं हल्का सा ब्रशअप कर लेता हूँ और उसे ये नहीं पता लगे कहाँ से चालू करे, तो यहाँ पे आके वो कर सकता है। एक बार अपने सी क्यूब के लेक्चर देखे फिर जाके ऑफलाइन में पढ़े तो हो सकता है उसको 100% समझ में आए और जो भी पीएनसी का एक आध क्वेश्चन आता है वो क्रैक कर ले, मतलब 500 रैंक ऊपर, मतलब एक आईटी अपग्रेड हो गई, मतलब एक ब्रांच अपग्रेड हो गया, या फिर मान लिया ऑफलाइन में हमारे चैप्टर एक कवर हो गया, एक टेस्ट मैंने दिया उसमें लगातार वेक्टर एंड थ्री डी के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे मान लिया, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो उसका मैंने एक बार रिवीजन किया। अब रिवीजन दिया तो उसका टेस्ट कैसे दे, यहाँ पे आके उस चैप्टर का टेस्ट दे सकता है। वो सारा मटेरियल यहाँ पे लोडेड है तीनों सब्जेक्ट का जो एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा बनाया गया है, मतलब आप तो एक प्रॉब्लम लाओ उसका सोल्यूशन टीम कॉम्पिटिशन आपको देगा ही देगा कस्टमाइज करके। तो इसी नोट के साथ चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बात और कहूंगा इसके अंदर, हाँ, कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने किसी सब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक टॉपिक को भी टेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे कितना आता है। मान लीजिए कि ना कोई बच्चा कहे कि यार आरबीडी अगर मेरे को आता है इट मींस दैट मुझे फिजिक्स में पूरे मैकेनिक्स आते हैं, मैं चेक तो करूँ कि मुझे आरबीडी कितना आता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ इन कंप्यूटर से बैठना है और एक टेस्ट बनाना है सिर्फ और सिर्फ आरबीडी का। वो अपने आप ही हमारी जो कंपटीशन की वेबसाइट है उस पर खुल जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ आरबीडी का ही टेस्ट दे पाएगा। जे मेन का टेस्ट भी आरबीडी के हिसाब से बन जाएगा और एडवांस का भी आरबीडी के हिसाब से बन जाएगा। उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे उसको आइडिया बन जाएगा कि उसने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से वो आरबीडी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट। इवन टॉपिक वाइज भी हम यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, ऑन डिमांड बच्चा बड़े आराम से टेस्ट दे सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते। मतलब आप वही पढ़ रहे होगे जो आपको रिक्वायर्ड होगा, आप वो नहीं पढ़ रहे होगे जो दूसरे को रिक्वायर्ड है उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इस हद तक हमने पर्सनलाइजेशन कर रखा है। ऑल द बेस्ट। इसके बाद किसी बच्चे के दिमाग में यह आ सकता है कि कंपटीशन ही क्यों ज्वाइन किया जाए। तो देखो, जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग और जो रिजल्ट्स हमने ओवर द इयर्स प्रोड्यूस किए हैं दैट स्पीक्स इटसेल्फ अ लॉट, उसमें हमें कुछ खास बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स बोलने के लिए बोला जाता है, सबसे पहला चीज़ तो यह है कि इट इज़ लेड एंड गाइडेड बाई एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेम्बर्स जिनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कोटा में पढ़ाने में, फर्स्ट बैच में टॉप 10 के अंदर रैंक देने में जिनका एक्सपीरियंस है काफ़ी लंबा। तो ऐसे फैकल्टी मेम्बर के अंदर गाइड किया मतलब बैच चलेगा। तो बच्चे के अंदर बच्चे को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे उसको दिक्कत आ सकती है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा,
कॉम्पिटिशन 2022 में सॉरी 2020 में वी स्टार्टेड विद ऑनलाइन और 2022 में वी स्टार्टेड विद ऑफलाइन। इस दो तीन साल के स्पैन में हमने स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं और हमारे जो रिजल्ट्स हैं क्वालिटी वाइज दे आर मच बेटर देन एनी नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और ये सारे रिजल्ट्स ऑथेंटिक हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास हर बच्चे का एक्सेस होता है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है यू कैन सी ऑन आर यूट्यूब चैनल कि हमने तीनों साल 2021 में 2022 में 2023 में सबसे पहले हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। दे आर ऑल अवेलेबल विद फोटोग्राफ एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप वेरीफाई कर सकते हैं आराम से। तो कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी टीचिंग। बच्चा इस एज पे काफ़ी जिसे बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज में होता है तो वो बहुत सारे ऐसी जगह पे भी जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकता है कि जहाँ पे उसका टाइम केवल पढ़ाई में नहीं लग रहा। मतलब आजकल ऑनलाइन में काफ़ी ऐसा भी हो गया कि बच्चे का शेर व शायरी सुना रहे हैं जो बच्चे को अच्छा लग रहा है, मतलब फील उसे फील गुड वाला फैक्टर आ रहा है, बट जो उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। कॉम्पिटिशन इज द ओनली ब्रांड विच ओनली फोकस इज ऑन टीचिंग नथिंग एल्स। मतलब किसी तरह की कोई बकवास नहीं, केवल हमारा जो फोकस है वो बच्चे की ग्रोथ पर रहता है एंड उसके रिजल्ट्स पर रहता है। ये चीज़ जब हमारा जो इनपुट है जो टीचिंग इनपुट है उसी की क्वालिटी की वजह से जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए गए हैं दैट इज़ वेरी विजिबल ऑन आर यूट्यूब चैनल। उसके बाद जैसा हमने बोला कि एक प्रिपरेशन करने में ऑफकोर्स हमें थ्योरी आना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, वो तो ठीक है, बट टाइम टू टाइम एक गाइडेंस भी बच्चे को चाहिए होता है। जब उसका लो फेज़ आता है तो ही शुड बी हैविंग सम फैसिलिटी जहाँ पे वो एक्सपर्ट्स के साथ बात करके अपनी प्रिपरेशन को वापस ट्रैक पे ला सके। तो दैट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इज़ ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। फिर हमारे लिए जो कॉम्पिटिशन की फिलॉसफी है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट है क्योंकि उसके लिए तो ये पूरे उसके कैरियर की बात है। मतलब अगले एक साल में जो भी बच्चा करेगा उसके अगले 30-40 साल की लाइफ इस एक साल पे डिपेंड करेगी एंड दैट वी अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसीलिए हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो स्टूडेंट है। इसलिए बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं कि फ़ीस कितनी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट के लिए हमें कुछ करना चाहिए या फिर फैकल्टी मेम्बर के लिए कुछ करना चाहिए, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी। हमारा कोर फोकस स्टूडेंट के ऊपर है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स सोशल एंगल। मतलब जो नीडी स्टूडेंट हैं उन बच्चों के लिए हमने पूरे सिलेबस को यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और अगर कोई बच्चा उस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है तो वो कोई भी रैंक ला सकता है। आप अगर किसी भी वीडियो में जाएंगे, एकेडमिक वीडियो में जाके अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल फाइंड मेनी एग्जांपल्स के बच्चे 100 के अंदर रैंक लाए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पहले बैच में पढ़ रहे हैं फिर भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट इनपुट। वो हमारे बैच से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में 3-3, 4-4 लाख की फ़ीस दी है। और ये आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, आप हमारा जो YouTube चैनल है मोहित त्यागी उस चैनल पे जाइए और उसके किसी भी एकेडमिक वीडियो को उठाइए और उसके कमेंट सेक्शन में पढ़िए। और ये कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स है वो ऐसा नहीं कि अभी एक दो साल में डाला है या एक दो महीने में डाला है, यू विल फाइंड ए लेगेसी ऑफ 10 ईयर्स। फॉर पास्ट 10 ईयर्स यू विल फाइंड के स्टूडेंट्स आर गेटिंग इमेंसली बेनिफिटेड बाई दिस चैनल। और इसमें किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में जो अपने टॉपर बच्चों के लिए वो जो कॉन्टेंट पढ़ाते होंगे जो बनाते होंगे that entire material we have given free of cost to every student, every needy student. बस उसको अगर मतलब अगर किसी बच्चे के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और उसे लगता है कि ही वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड दिस बेस्ट, परफेक्टली फाइन, यू कैन स्टडी फ्रॉम आर यूट्यूब चैनल। बस आपको एक प्रैक्टिस बुक कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी। थ्योरी वाइज आपने पूरा सिलेबस हमने JEE का फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है कि हमारे लिए स्टूडेंट की सक्सेस कितनी ज़्यादा जरूरी है। सर्वोपरि स्टूडेंट की सक्सेस है, देन कम्स एनीथिंग एल्स। फिर जो बच्चे जयपुर में बाहर से आ रहे हैं उनके हेल्प के लिए, ताकि उनको यहाँ पे आके भटकना ना पड़े, हमारी सपोर्ट टीम विल ऑल्सो हेल्प यू इन फाइंडिंग एप्रोप्रिएट हॉस्टल अकॉर्डिंग टू योर नीड। मतलब वी डू नॉट रन एनी हॉस्टल, हम खुद कोई हॉस्टल रन नहीं करते हैं, बट डिफरेंट हॉस्टल्स में हमारी सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी आइडेंटिफाई करने में
क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चा बाहर से आ रहा है फिर वो दो तीन दिन में हॉस्टल ढूंढ रहा है, उसका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, पेरेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी नियर बाई हॉस्टल्स हैं उन सारे हॉस्टल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, और आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं हमारी सपोर्ट टीम से। तो हॉस्टल का टूर भी यू कैन टेक वर्चुअली। नेक्स्ट इज हॉस्टल टूर। अपना हॉस्टल जो है वो हमारा अपना कोई हॉस्टल नहीं है, बट बिकॉज पैन इंडिया से, पूरे इंडिया से बच्चा यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आता है, तो उनकी सुविधा के लिए, ताकि उनके पेरेंट्स को यहाँ पे आके ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, हमने कुछ कुछ हॉस्टल के साथ इस तरह की बात कर रखी है कि आप हमारे बच्चों को ये फैसिलिटी देंगे। तो एज सच दीज हॉस्टल्स आर नॉट रन बाय अस, बट ऑफकोर्स वी हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट ए हॉस्टल, और ताकि उसका यहाँ पे आके टाइम वेस्ट ना हो, उसको ढूंढने में किसी भी तरह का टाइम वेस्ट ना हो। और डिफरेंट डिफरेंट बजट कैटेगरी के हॉस्टल्स हैं, तो हर तरह की जो हेल्प है वो हमारा सपोर्ट स्टाफ विल प्रोवाइड यू। और एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इस हॉस्टल का, तो ओवर टू विपिन। हेलो स्टूडेंट्स, हम आ पहुँचे हैं जो हमारी कोचिंग से 300 मीटर की दूरी पे एक हॉस्टल स्थित है। मैं उसका व्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका व्यू जो है ये बाहर से कुछ इस तरह से है। ये पूरा फ्लोर, इसमें हमारे कंपटीशन के बच्चे रहते हैं, ये सारे फ्लोर हॉस्टल ही हैं और इसमें हमारे कंपटीशन के बच्चे रहते हैं। और जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे इनकी मैस बनी हुई है, मैं आपको वो भी मैस जाके दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फियर है, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, आसपास की सोसाइटी अच्छी है, जनरेटर अच्छी, आप देख सकते हो आसपास में बिल्कुल शांत माहौल है। ये हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं, ये स्टूडेंट का कॉमन एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, या सामने उनको कोई लेक्चर अगर एक साथ देखना हो तो यहाँ प्रोजेक्टर पे एक साथ लेक्चर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये यहाँ पे रूम्स हैं। कैसे हो बेटा? बढ़िया। ये रूम्स हैं जहाँ पे एसी दिया हुआ है, उनकी वार्डरोब है, बेड है, स्टूडेंट का वॉशरूम। कैसे बेटा? इस तरह से यहाँ पे रूम दिए हुए हैं। ये इनका सेपरेट जो अटैच्ड है वो लेग बाथ रहता है। ये स्टूडेंट्स की वार्डरोब और सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ लैंप लगा हुआ है, स्टूडेंट यहाँ से सेल्फ स्टडी कर सकता है। और ये पूरा इंफ्रा है जो रूम का है, जहाँ पे एसी है, इनका बेड है। ये दोनों रूम जो आपको दिखाए गए हैं इस वीडियो के अंदर, इनका जो रेंट है वो लगभग 8 से 9 हज़ार की रेंज में रहता है, और ये हमारी कोचिंग से सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसी तरह यहाँ पे करीब 38 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के रूम बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये 3 सीटर रूम है, जहाँ पे 2 सीटर दो स्टूडेंट्स की सिटिंग का ये बेड लगा हुआ है, और एक स्टूडेंट की सिटिंग के लिए इस तरफ है। यहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं जहाँ बच्चा अपना स्टडी कर सकता है बैठ के। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है। ये जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें यहाँ पे लिफ्ट है, इसके टॉप फ्लोर पे मैस बनी हुई है। हॉस्टल की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो हॉस्टल के ओनर हैं वो खुद यहाँ अवेलेबल रहते हैं, ताकि बच्चों की देखरेख अच्छे से हो सके। ये खुद अवेलेबल रहते हैं, इनका घर भी यहीं है, इसी में रहते हैं ये भी, ताकि बच्चों को किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये खुद यहाँ पे उनकी देखरेख कर सके। ये किचन एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स का फूड पूरा प्रिपेयर होता है, उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सबकी प्रिपरेशन यहीं की जाती है। और ये सामने जो हम देख रहे हैं, ये बच्चों का मैस एरिया है, जहाँ बच्चे अपना
ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर जो भी लेंगे। बच्चों के लिए दोनों ऑप्शन रहता है, बच्चा चाहे तो अपने रूम में भी ले सकता है, ले जाके और रूम में खा सकता है, चाहे तो यहाँ भी बैठ के वो अपना ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कर सकता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की जो जेनेट्री है वो काफ़ी अच्छी है, पॉश एरिया है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पर। ये हम एक और पीजी में आए हैं, यहाँ भी हमारे कॉम्पिटिशन के बच्चे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एंट्रेंस पर ही जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है वो पूरा लगा हुआ है, जहाँ से पूरी बिल्डिंग में नज़र रखी जाती है। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और तीनों फ्लोर पे यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। आइए आपको रूम में चल के दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जो बेडिंग है वो लगी हुई है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ इस हॉस्टल में, वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर जितने भी आप रूम देख रहे हैं ये 2 सीटर रूम्स हैं। यहाँ भी लगभग अगर हम क्राइटेरिया देखें रूम का तो वही है, यहाँ पर 8,000 से रेंज स्टार्ट है, 8,000 से 9,500 की रेंज तक में यहाँ पर 2 सीटर रूम अवेलेबल है। सिंगल सीटर जो है वो करीब 10,000 से 12,000 की रेंज में है। चलिए हम आपको रूम दिखाते हैं अंदर से। जैसे ये रूम है, यहाँ स्टूडेंट की इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेपरेट मीटर लगा हुआ है और इस मीटर के रीडिंग के अकॉर्डिंग ही उनका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है वो अलग होता है। ये 2 सीटर रूम है जहाँ 2 बेड लगे हुए हैं दोनों स्टूडेंट के सेपरेट, दोनों की अलग टेबल दी हुई है। नेक्स्ट इज क्लासरूम टूर, मतलब हमारी क्लास किस तरह की होगी, इसके लिए एक बार वो छोटी सी क्लिप देख रहे थे किस तरह का क्लासरूम है, तो ओवर टू एबीजे सर। हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजानी, आई योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। ये है हमारे जयपुर के ऑफलाइन सेंटर का दुर्गापुरा वाला सेंटर, और चलिए आपको क्लासरूम दिखाते हैं। ये लेफ्ट में तो डाउट क्लास है और राइट साइड में ये एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में मैंने डिजिटल बोर्ड यूज़ किया, हालांकि हमने मोस्ट ऑफ द जो रूम्स हैं उनमें डिजिटल बोर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि बच्चों को नोट्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिल जाए, एंड दिस इज़ योर क्लासरूम। चलिए इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। ये एक और क्लासरूम, इस क्लासरूम के अंदर भी डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड प्लस वाइट बोर्ड भी यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन की व्हाट स्पीड वी नीड टू टीच और बच्चे किस तरह से कम्फर्टेबल हैं। आई थिंक लोकेशन जानने के लिए आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू प्रवीण सर। प्रवीण सर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे सेंटर्स की। तो अब हम देखते हैं कि कंपटीशन के ऑफलाइन सेंटर पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च करना हो तो कंपटीशन टावर सिर्फ सर्च करेंगे तो ये हमारा जो टोंक रोड पे दुर्गापुरा में जो जयपुर में स्थित टावर है वो आ जाएगा डायरेक्टली, उसका लोकेशन एड्रेस वगैरह। एंड फॉर योर रेफरेंस उसकी लोकेशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर जयपुर में आते हैं, लेट अस से आप एयरपोर्ट पे, तो जयपुर में एक एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट, और वहां से जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इट इज वेरी नियर बाय। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलवे स्टेशन से, अगर आप ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से जयपुर इंडिया के कोने कोने से कनेक्टेड है तो जयपुर में जो मेन रेलवे स्टेशन है दैट इज जयपुर जंक्शन, ठीक है। बट उसके अलावा जयपुर में और भी दो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, उनके नाम है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो जो जयपुर जंक्शन है वहां से कॉम्पिटिशन टावर की दूरी अबाउट 9.5 किलोमीटर है, वही अगर आप गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां से अबाउट 3 किलोमीटर है और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अपना ये ऑफलाइन सेंटर है। अब जहां तक रूट्स की बात करें तो मैक्सिमम ट्रेन जयपुर जंक्शन पर रुकती है, बट मुंबई से आने वाले जो ट्रेन है वो दुर्गापुरा जंक्शन पर भी मोस्टली रुकती है, तो जो मुंबई वाले रूट से आ रहे हैं वो उस रेलवे स्टेशन को कंसिडर जरूर करें कि वहां पर आप उतर के बहुत इजिली 1 किलोमीटर के अंदर आ सकते हैं। और दिल्ली से आने वाली बहुत सारी ट्रेन्स गांधीनगर जंक्शन, ये अहमदाबाद वाले गांधीनगर से अलग है, जयपुर वाला गांधीनगर जंक्शन है, वहां पर भी रुकती है और वहां से मात्र 3 किलोमीटर है, तो बहुत सारे टाइम से कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर ट्रेन रूट्स। उसके बाद अगर मैं रोड्स की बात करूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, हाईवेज की मैं बात करूं तो इंडिया के बहुत सारे मेजर हाईवेज स्पेशली जैसे मुंबई से दिल्ली को जॉइन करने वाला जो हाईवे है वो भी जयपुर होकर निकलता है, बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो जो जयपुर का बस अड्डा है उसका नाम है सिंधी कैंप और वहां से जो कॉम्पिटिशन टावर है वो अबाउट अगेन 9.5 किलोमीटर दूर है। बट जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, दिल्ली साइड से, दिल्ली या दिल्ली साइड से हरियाणा से जो लोग आ रहे हैं उनकी सारी बसेस का जो वन ऑफ द मेजर स्टॉपेज होता है इवन यूपी साइड से, तो उनका बस का जो एक मेजर स्टॉप होता है नारायण सिंह सर्कल, और वो और भी पास है, वो उसी रोड पर लगाते हैं जिस रोड पर आप ऑफलाइन सेंटर है टोंक रोड पे, तो वहां से अपना जो ऑफलाइन सेंटर है वो सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहां से आप सिटी का थोड़ा ट्रैफिक भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ जल्दी भी पहुंच सकते हैं। तो बाई रोड आप राधर देन गेटिंग ऑन सिंधी कैंप मेन बस स्टैंड आप नारायण सिंह सर्कल उतर के आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन जयपुर। तो इसी के साथ आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस ईयर इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आप जो एक साल यहाँ पे मेहनत करोगे उसका फल अगले 30-40
30-40 साल की प्रोफेशनल लाइफ में आपको मिलेगा। तो इसलिए सिंसियरली हमको तैयारी करनी है विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन का कोई अब स्कोप बचा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते हम एक दो महीने कुछ करके देखें फिर मेरे को लगे कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है, कुछ और ट्रैक चेंज करते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट लग्जरी इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, बिकॉज इस साल तुम्हारा बोर्ड भी आएगा, फिर हमें सिलेबस ख़त्म करना भी है, जो एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी में होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो उससे पहले ही हमें सिलेबस ख़त्म करना है, तो जो टाइम बचता है वो काफ़ी टाइटली पैक्ड शेड्यूल के साथ ही कंप्लीट किया जा सकता है उस बचे हुए टाइम में अपने पूरे सिलेबस को। तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, और फिर उसके बाद जब वंस यू हैव डिसाइडेड तो आप अपना 100% वहाँ देने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपका पोटेंशियल है, जो मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा सेलेक्ट तो हो गया बट उसको उसके पोटेंशियल के हिसाब से IIT नहीं मिला या ब्रांच नहीं मिला, तो उसको ज़िंदगी भर ये बात उसको जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम देगा, उसको अंदर अंदर लगेगा काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैंने ये किया होता, वो आपके साथ ना हो। इसलिए अभी से आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, जो भी टाइम हो केवल पढ़ाई में लगे हमें। ईच एंड एवरीथिंग कैन वेट फॉर ए ईयर और टू, बट योर कैरियर विल नॉट वेट। इसी टोन के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।